करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रायंगल समझने की जरूरत है। ये ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल है और ये समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण पे बने वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यहाँ से के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे के की जगह पे 5 का स्क्वायर होगा और लंब की जगह पे 4 का स्क्वायर होगा और ए की जगह पे कितने का होगा 3 का स्क्वायर। तो 4 कितना होगा 16, 3 किया 9 और 5 × 25 यहाँ से हो जाएगा 25 बराबर 25। यानी कर्ण पे बने वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इसी बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हैं कि नीचे जो है यहाँ पे पाउडर भरा गया है, ये पूरा स्क्वायर में पाउडर भरा गया है। यानी बड़े स्क्वायर का जो पाउडर है ये दो छोटे स्क्वायर के पाउडर के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस प्रमेय सही है। तो चलिए करके देखते हैं। अगर हम इसको उलट देते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रेत यहाँ से पाउडर धीरे धीरे गिर रहा है और पाउडर गिर करके ये इन दोनों छोटे स्क्वायर्स को भर देगा। तो जब ये छोटे स्क्वायर्स को भरेगा तो आप यहाँ से देखेंगे कि छोटे स्क्वायर्स के जितने भी एरिया है, दो छोटे स्क्वायर्स की एरिया का जो सम है वो थर्ड स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पूरा का पूरा ये जो बड़ा स्क्वायर है ये खाली हो गया, इसने दो छोटे स्क्वायर्स को भर दिया। वही बात यहाँ समझना है, ये जो 5 का स्क्वायर है 25, ये किसके बराबर है? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। लंब पे कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं? 4 × 4 = 16। आधार पे कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं? 3 × 3 = 9। 16 और 9 जोड़ोगे कितना होगा? 25। और यहाँ पे स्क्वायर्स कितने हैं? 25। तो 25 बराबर किसके हो गया? 25 के। 25 बराबर 25। वही बात दिखाया गया कि कर्ण पे बना वर्ग, जैसे ये समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये कर्ण है। ये क्या है? कर्ण। कर्ण पे स्क्वायर बना है। कर्ण पे क्या बना है? स्क्वायर। और यहाँ पे लंब पे स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पर आधार पे स्क्वायर बना है। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर, जो लंब का स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर है, इस दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? कर्ण पर बने वर्ग के। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर की जो एरिया होगी इसके बराबर होगी कर्ण की एरिया के, ठीक है। इसके बराबर होगी कि नहीं होगी ये हम करके देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हमने पलट दिया और हमें देखना है कि ये दोनों क्या इसे फिल कर पाएंगे। देखो, इन दोनों की एरिया आधार और लंब की एरिया या कर्ण की एरिया के बराबर है। देखिए, बराबर है। क्लैप फॉर इट। क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे। इस तरह से आपने देखा कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग। इसको उलट देंगे तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस थ्योरम को क्या नाम देते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है? यस सर। ओके।